तो ये एक बिजनेसमैन थे, रिनोन्ड बिजनेसमैन थे, नोन बिजनेसमैन थे, मशहूर बिजनेसमैन थे और बहुत फयाज थे, बहुत खर्च करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो खर्च करते रहे, आइए कितना खर्च करते थे, एक वाकया इनका सुनते हैं। वाकया इस तरह से कि ताजिर थे और एक बार इनका एक काफिला यमन से आया जो बहुत मुफीद साबित हुआ, मतलब खुद नहीं गए थे, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर थे कि लोग और कोई बिजनेस चलाता था, काफिला वापस आया, बिजनेस के अकाउंट्स हुए तो 7 लाख दिरहम का बेनिफिट हुआ, कितना हुआ 7 लाख दिरहम फायदे में रहे एक सफर में खाली यमन की। ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे, 7 लाख का मुनाफा हुआ। अब जब 7 लाख आ गए तो परेशान हुए, इनके बीवी ने कहा कि मैं आपको परेशान देख रही हूं, कि मेरे से तो कोई खता नहीं हो गई, तो बात मैंने ऐसी कर दी आप चिड़ गए जिससे, या ऐसा ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत सलीका शार, बहुत अच्छी बीवी हो, तुमसे मैं नाराज नहीं हूं, तुम्हारी वजह से परेशान। फिर कहा क्यों? कहा परेशान इसलिए हूं कि 7 लाख दिरहम मेरे घर में रहेंगे तो मैं सुकून से कैसे रह सकता हूं। नहीं, ये पैसों के चोरी होने के डर की परेशानी नहीं थी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की अलामत थी कि 7 लाख मैं क्यों रखूं और कैसे रखूं अपने घर के अंदर। बीवी क्या बोलती है सुनिए। तो आपने फरमाया, कहा कि बीवी ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि भला गम किस चीज का, रात सो जाओ, सुबह उठना, अपने गरीब रिश्तेदारों में कल खर्च कर देना ले जाकर। कहा बहुत अच्छा मशवरा। फजर पड़ी, फजर पड़ते ही निकले, थैलियों में पैसा भरा, अपने गरीब रिश्तेदारों के पास गए और रिवायत में आता उस एक दिन में ही पूरा पैसा खर्च किया और फिर घर वापस आ गए और बहुत खुश थे। बीवी ने कहा कि बहुत खुश नजर आ रहे हो, कहाँ वो पैसा मैंने खर्च करके आ गया। ये वाक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का था। उसके बाद ही कुछ रिवायतों में आता है कि तलहा रज़ी अल्लाह उनको अल्लाह के रसूल ने ये लक़ब दिया, तलहा अल खैर, तलहा अल जवाद, बहुत खर्च करने वाला और जिसके ज़रिए खैर आता है खर्च कर। एक मरतबा एक शख्स आया और कहा मुझे 3 लाख दिरहम की ज़रूरत है। कितने? 3 लाख। और मैंने सुना है कि आप बड़े रहम दिल हैं, उम्मीद करता हूँ आप मेरे पर रहम दिली करेंगे और मुझे देंगे। तो वो कहते हैं तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, पहली बार किसी ने मुझे ऐसे अल्फाज अदा किए, मैं वैसा आदमी नहीं भाई जैसे तुम बोल रहे हो रहम दिल, ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, पहली बार किसी ने मेरे लिए अल्फाज अदा किए हैं, लेकिन चलो अब तुमने ये कर ही दिया है तो मैं, मेरे पास एक प्लॉट है, पैसा तो नहीं है लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये वो ज़माना था जब लोग यूँ ही नहीं मांगते थे, आज लागू मत कर दीजिए वरना आप एक ही दिन में खल्लाश हो जाएंगे। वो ज़माने में लोग मांगने को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया था जो बग़ैर ज़रूरत के मांगेगा रोज़े क़यामत बग़ैर गोश्त के चेहरे के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा। मांगना हो तो सिर्फ उतना मांगना कि एक टाइम का खाना हो जाए, अगले की तैयारी नहीं कर सकते। आज लोगों ने भिखारीपन को बिजनेस बना दिया है, सालों साल नहीं नस्लों नस्लों का स्टॉक करके रखा हुआ है। तो ये जेन्युइन लोग थे, जब ये गवाही मांगते तो जेन्युइन गवाहियां होती, जब शहादतें मांगते जेन्युइन शहादतें होती, जब माल मांगते भिखारी हो जाते फकीर होते तो जेन्युइन मांगते थे। तो कहा तेरी जरूरत तो है लेकिन मेरे पास नहीं है। हाँ, उस्मान इब्ने अफ्फान का एक प्लॉट जो उन्होंने मुझे दिया था मेरे पास है, 3 लाख दिरहम कॉस्ट है। तो उसने कहा मैं क्या करूंगा इसका प्लॉट का, मुझे तो पैसे की जरूरत है। आपने वो प्लॉट को बेच दिया और उसको 3 लाख दिरहम जो है दे दिए और ये उसको सदका किया था, आपने उधार नहीं दिए थे। इतना खर्च करने वाले, बहुत ज्यादा फयाज थे, बहुत ज्यादा खर्च करते। उम्मातुल मोमिनीन को हर साल एक एक माँ को 10,000 दिरहम से ज्यादा तोहफे में दिया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद। ठीक, इसी तरह लोगों की कर्ज उतार दिया करते थे, बहुत माल खर्च करते थे, माल खर्च करने में बहुत आगे थे। याद रखिए कई सिफतें बहरहाल इनकी आती है। आइए चंद बातें फिर और उनके ताल्लुक से देखते हैं कि तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बशारत दी। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूह ज़मीन पर अगर किसी जिंदा इंसान को शहीद को चलते हुए देखना चाहते हो जिंदा शहीद तो वो तलहा है। कि तलहा बिन उबैदुल्लाह बहुत मशहूर और मारूफ ताजिर थे, याद रखिए। इसी तरह तलहा बिन उबैदुल्लाह याद रखिए अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान से याद रखिए थे और इनकी बेटी उम्मे कुलसुम से आपने निकाह भी किया तो दामाद भी थे, या अबूबकर सिद्दीक के दामाद भी थे याद रखिए। इसी तरह जो है तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जंगी अहद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में अपने जिस पर 70 से ज़्यादा तीर नेजे और तलवारों के जख्म खाए थे, तलहा बिन उबैदुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में अपना एक हाथ उनका हमेशा के लिए
डेड और शल हो गया था। इसी तरह जो है तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह बहुत ही सखी 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 समझते ना, माल खर्च करने वाले इंसान थे। इसी तरह जो है पहले मरहले में ईमान लाने वालों में से भरा लिए एक थे। तो इनकी ज़िंदगी से जो कंक्लूजन हमें मिलता है वो ये है, पहला कि ये बहुत ही ज़्यादा होशियार और दाना इंसान थे, इसलिए कि इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जिससे एक बेवकूफ़ी दूर रह सकता है। पहले झटके में कुछ लोग होते, देखिए एक ऑफ़र आया, आप शक कर रहे हो ऑफ़र, आप झुठला रहे ऑफर, आप यकीन नहीं कर रहे ऑफर, और तब एक आदमी ने कहा मैं खरीदता हूं इसको। अब 10 साल बाद आपको पता चल रहा है, आप भी लाइन में लगे हुए लेने के लिए, आप नंबर लगाए तो भी नहीं मिलती वो चीज़, समझ लीजिए। तब आप बोलते यार वो होशियार था यार, 10 साल पहले जब सब ठुकरा रहे थे तब ले लिया उसने, लाखों रुपया खर्च कर दिया, हम बेवकूफ़ को ऐसा प्लॉट नहीं लिए, उन्हें ले लिया आज करोड़ों का प्लॉट हो गया। होता है ना फ़ज़्ल, होशियार थे। इस्लाम जैसी नेमत से होशियार लोग दूर नहीं रह सकते, याद रखिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने मदीने आए थे मक्का से, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया था, मैं वही तो सोच रहा था कि इतने होशियार लोग इतने दिन तक इस्लाम से दूर कैसे रह सकते। इतने होशियार खालिद, इतना होशियार अम्र बिन आस, बहुत होशियार, बहुत डिप्लोमेटिक इंसान, और खालिद बिन वलीद बहुत जंगजू, तुम जैसे होशियार लोग पीछे कैसे रह सकते। ये नेमत से आम आदमी पीछे रहता, याद रखिए होशियार लोग होशियार थे, इसलिए सबसे अव्वल दर्जे में हक को कबूल कर लिया। दूसरा, बहुत बहादुर थे, हक के लिए पीछे नहीं हटे कुछ भी बर्दाश्त करने में दुनिया में। तीसरा, बहुत होशियार थे दुनियावी मामलात में भी, कि एक माहिर और मशहूर ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। इसी के साथ साथ माल खर्च करने का अल्लाह ने जज्बा दे रखा था, याद रखिए, ठीक है। और जो है माल के बावजूद आपकी एक सिफत जो रिवायतों में आती है, बहुत आजिज रहना पसंद करते थे, सादा खाना पसंद करते थे, सादे कपड़े सादा खाना खाना ये आपको पसंद था, मतलब माल होने के बावजूद भी सिंपल लाइफस्टाइल गुजारते थे। और एक आदमी के पास माल होते हुए बुरी जिंदगी गुजारे पसंदीदा नहीं। अल्लाह के रसूल ने जब कहा, एक शख्स को देखा बाल खराब कपड़े फटे हुए, तो कहा इसकी मदद करो, उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरा तो यहाँ एक बाग है, वहाँ एक बाग है, वहाँ एक बाग है, तो कहा अल्लाह जब कुछ देता है तो उसका असर जिस्म पे देखना पसंद करता है। तो माल होते हुए घटिया जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं, माल होते हुए सादगी इख्तियार करना ये पसंदीदा बात है, और माल होते हुए अपनी नफ्स पे खर्च करना ये भी पसंदीदा बात है। माल होते हुए इसराफ करना पसंदीदा बात नहीं है, और माल नहीं होते हुए भी इसराफ करना, चूंकि लोग उधार लेके भी करते, ये भी पसंदीदा नहीं है। तो बाय चॉइस को इंसान, तो अब तलहा रज़ी अल्लाह बाय चॉइस सादगी को इख्तियार करते थे, तो सादा रहते थे, सादा खाते थे, और इस वजह से आप काफ़ी नोन थे गरीब लोगों में और अमीरों में कि सादा रहने वाला इंसान है। ये सारी आपकी खसूसियतें थी, याद रखिए। इसी तरह जो है आपकी वफ़ात के ताल्लुक से जो बात हमें मिलती है वो ये है कि आपने चारों खुलफ़ाए राशिदीन का दौर पाया, उसमें भी आपने बहुत सारे काम किए, चारों के हाथ पे आपने बैत किया, याद रखिए, मतलब उनको खलीफा माना अपना। और इसके बाद याद रखिए जंग जमल में एक धोखे के जरिए, जिसको कहेंगे कि धोखा हुआ उनके साथ, और उसमें जो है आप शहीद कर दिए गए, याद रखिए। जंग जमल के अंदर आप शामिल थे, शरीक थे, याद रखिए, लेकिन धोखा हुआ और धोखे से जो कुछ सहाबा शहीद किए गए उनमें आप भी शामिल थे। आपको जो है बसरा में जो है दफन किया गया, इराक के शहर बसरा में आपका इंतकाल हुआ था और आपको वहाँ दफन किया गया। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र 63 ईयर्स थी, 63 साल की, याद रखिए, उम्र थी 63 ईयर्स उम्र थी, और आपने 38 हदीसें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। 38 नरेशंस है या ट्रेडिशंस है जो आपने, मतलब रिवायतें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस जिसको कहेंगे हम तक पहुँचाई, याद रखें। तो ये बहुत ही मुख्तसर सा मैंने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और सीरत आपके सामने रखने की कोशिश की, ताकि हम लोग इन सीरतों को सुने, इनको समझें, इनको पढ़ें और इनकी ज़िंदगियाँ देखें और अपनी नफूस को भी वैसा पाकिज़ा करें, ताकि हम भी जो है जब इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, ज़ाहिर सी बातें और इंसान की फितरत भी है, जो चीज़ को देखता है, जो चीज़ को पढ़ता है, उस जैसा करना चाहता है। आप देखिए आजकल आपके बच्चे वगैरह टीवी देखते हैं या कार्टून देखते हैं, तो कार्टून जैसे कैरेक्टर, टीवी कैरेक्टर जैसा अपने आप को करना चाहते हैं ना, कपड़े वैसा इमिट करते हैं, बात वैसा, स्टाइल वैसा, बाल वैसे, तो ये शख्सियतें वैसी है। लेकिन चूंकि आज हम पढ़ते नहीं, इनकी ज़िंदगी जानते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इनका दौर दौरा नहीं है, ये हमारे ज़बानों पर अल्फाज सुनते नहीं हैं, जिसके नतीजे में जो है क्या होता है, बच्चों में वो जज्बा, वो कुर्बानी, वो ईसार, वो तमाम सिफतें आती नहीं हैं। तो लिहाजा हम इसको आम करें।
السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.